फैट लॉस या डाइटिंग के दौरान सबसे मुश्किल एक्सरसाइज या कार्डियो नहीं होता जो बहुत सारे लोग सोचते हैं, बल्कि होता है खाना, न्यूट्रिशन, और ऐसा न्यूट्रिशन जो जनरली आपके घर के खाने से शायद अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपके घर में किस तरह का खाना बनता है। मुझे तो फैट लॉस के दौरान, डाइटिंग के दौरान जो मेरे घर वाले खाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज हमारी चीज़ें मैच नहीं करती। और आज की वीडियो में इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाई डाइटिंग इज़ हार्ड ड्यूरिंग फैट लॉस। ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, मेरी इंस्टाग्राम ऑडियंस ने मुझे कहा था कि उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं इस फैट लॉस के दौरान कई बार फेल हुआ हूँ, डाइट के साथ मैंने फकअप किया है, क्या डिटेल्स में जानना चाहते हो आप। दिस साइड येस, वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एंड साइकोलॉजिकली कुछ बातें होती हैं वो आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये खा के फैट लॉस हो जाएगा, वो खा के, या ऐसी ट्रेनिंग करो। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है इफ यू आर अ मैच्योर पर्सन। नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम ऑल द वे अप, ऑल द वे अप, आई एम ऑल द वे अप, आई एम ऑल द वे अप, नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम ऑल द वे अप, ऑल द वे अप। सो लेट मी शो यू क्विकली व्हाट थिंग्स आई गॉट। ये है मशरूम्स, वेजीज, ठीक है, मैं खाता हूँ काफ़ी। और ये थोड़ा सा जंक है, लेकिन इसको भी मैं दो तीन दिन में कंज्यूम करूँगा, एक दो चिप्स खा के डेली के ऐसे, ठीक है। एंड शिमला मिर्च टू यूज़ इन माई चिकन और एग्स में, ओके। एंड दिस इज़ चिकन। एंड ये है नारियल पानी, यस, बिकॉज कार्डियो करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, आई फील थर्स्टी, सो दिस इज़ गुड थिंग। कोई प्रमोशनल नहीं है ये, ठीक है, मुझे रियल ने पैसे नहीं पे किए हुए हैं। और दिस इज़ अगेन, मुझे स्वीटनेस काफ़ी, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो डाइटिंग दिन के एंड में या कभी भी मेरा मीठे को क्रेविंग होता है तो एक बिस्किट खा लेता हूँ इसमें से, ओके। स्वीट दही, मिष्टी दही मुझे बहुत टेस्टी लगता है, ये कभी कभी खा लेता हूँ। एंड हनी टू यूज़ ऑन मैनी थिंग्स। और ये ग्रीन एप्पल सोडा बोलते हैं, टेस्टी है, मैंने पहली बार लेके आया हूँ, देखता हूँ क्या कैसा आता है फ्लेवर। एंड फ्रेश क्रीम टू यूज़ ऑन मल्टीपल थिंग्स। एक चीज़ है, मैंने ये सीखा है कि देखो, आप ह्यूमन हो, आप फैट लॉस कर रहे हो, आपका खाने का फिर भी दिल करता है कुछ ना कुछ। आप मार्केट जाते हो तो डाइटिंग के दौरान आप ज़्यादा सामान जो पता है आपको जंक है वो मत लेके आओ, ठीक है, बिकॉज़ अगर आप ला के उसको घर पे रखोगे तो डेफिनेटली वो खाया जाएगा, आपको क्रेविंग होगी कि पड़ा है, मुझे पता है पड़ा है तो मैं खा लेता हूँ। अगर आपके पास होगा ही नहीं इमीडिएट घर पे, तो लेस चांस है कि आप खाओगे, स्पेशल लेने को जाओगे, है ना। तो इसीलिए अगर मैं मेंटेनेंस रेगुलर डाइट पे होता हूँ तो मान लो मैं ये चीज़ें दो तीन ले आता, तीन चार ले आता, और ये भी ऐसे दही है मीठे वाला, इसमें शुगर है, ये भी तीन चार ले आता इकट्ठे। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज डाइटिंग एक स्ट्रेस होता है खुद में, ठीक है, पकअप करके चार पाँच एक साथ खा लिए, बिंज ईट कर ली, तो उसको अवॉइड करने के लिए, हमेशा कंट्रोल में रहने के लिए कम ही लेके आओ। मैं ट्राई करता हूँ यार, ग्रीन एप्पल कैसा है ये, मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद है नहीं वैसे इससे, लेकिन लेट्स सी हाउ इज इट। लोग तो जनरली दारू वारू में डाल के पीते होंगे इसको। इट्स सरप्राइजिंगली गुड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस स्वीट, बट इट इज स्वीट। दिस इज ग्रीन एप्पल फ्लेवर एंड इट्स कॉल्ड नेचुरल स्प्रिंग फ्लेवर्ड विद ग्रीन एप्पल। कोई इसमें कैलरी नहीं है, जीरो कैलरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डाइटिंग इज हार्ड। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आपको पता होगा कि मैं अभी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ। इट्स बीन ऑलरेडी 12 वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं मुझे, अपनी एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। तो आई हैव फेल्ड सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस डाइट, एंड आई जस्ट वॉन्ट टेल यू कि आप अलोन नहीं हो। अगर आप डाइटिंग करते फेल होते हो, आप फकअप करते हो, यू आर नॉट अलोन इन दिस, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट डेडिकेटेड आई हैव एवर बीन। ये 12 हफ्ते ट्रेनिंग को लेके बहुत डेडिकेटेड रहा हूँ, मतलब नो मैटर वॉट मुझे वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है, नो मैटर वॉट मुझे ये वॉकिंग जो मैं कर रहा हूँ करनी ही करनी है, या कार्डियो मुझे करना ही करना है, 15,000 से ऊपर दिन के स्टेप्स करने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन when it comes to dieting, you know, I failed so many times के मुझे जो नहीं खाना चाहिए मैं वो खा लेता हूँ बाद में, जब क्रेविंग होती है या कुछ होता है तो। but even though कि मैं ये सब खाया हूँ, उसके बाद
ये नहीं है कि मेरी डाइट वेस्ट हो गई। एवरी टाइम आई फेल्ड इट, एवरी टाइम आई फेल्ट बैड कि मैंने रात को ये गलत खा लिया, मैंने ये चीज़ें मंगा के खा ली, नेक्स्ट डे आई वेक अप एंड आई एम फुली मोटिवेटेड अगेन कि कोई बात नहीं यार, जो कल हो गया, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। दैट्स व्हाट यू गोना डू व्हेनेवर यू आर डाइटिंग। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, आप फेल होगे ठीक है, लेकिन हिम्मत यही रखनी है कि दोबारा से उठना है। वो बोलते हैं ना कि चींटी बार बार गिरती है फिर उठती है, ऐसी एग्जांपल होती है जो, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि फैट लॉस कभी लीनियर नहीं होता कि सीधा आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो तो ऊपर, हमेशा आप फैट लॉस करते जाओगे राइट। ये प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे लोग इसी को लेके क्विट कर देते हैं कि अब तो हमसे फकअप हो गया, हमने दो दिन गलत खा लिया, चार दिन गलत खा लिया, तुम्हारी जो मेहनत थी ख़राब हो गई, चलो गेट बैक टू प्रीवियस लेवल्स। अब देखो एवरीबडी नोज़ कि डाइटिंग इज़ रिस्ट्रिक्टिव ठीक है, आपके पास फूड की ऑप्शंस कम होती हैं और आपके पास फूड की क्वांटिटी कम होती है, और डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिनारियोज में डाइटिंग हार्ड हो सकती है। मैं खुद की एग्जांपल दूं तो पिछले एक दो सालों में मैं एक फूडी बन चुका हूं ठीक है, कि मुझे अलग अलग खाने ट्राई करने बहुत पसंद है। हर वीकेंड पे मैं बाहर जाके खा के आता हूं कुछ ना कुछ, मतलब मेरी दो तीन मील्स होती हैं वीकेंड में बाहर जाके खा के आने की, तो मुझे नए नए फूड स्टफ ट्राई करने अच्छे लगते हैं। तो वही चीज़ें, ये जो हैबिट हमने बना ली होती हैं, ये हैबिट हमें ड्यूरिंग दिस गोल कैन यू नो अफेक्ट दिस गोल। मैंने कभी आज तक बॉडी बिल्डर वाला टिपिकल लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं किया है, इवन दो आई गेट मसल्स है ना, आई एम जस्ट अ ट्रेनर हु ईट फ्लेक्सिबली। बट इस टाइम पे जब आप एक सीरियस कट पे होते हो, सीरियस फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पे होते हो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है नो डाउट, डिपेंडिंग ऑन आपकी डाइटिंग कितनी लंबी चल रही है। फॉर एग्जांपल मेरी 12 वीक्स में ख़त्म हो जानी थी अगर मैं सब कुछ परफेक्टली कर रहा होता, मैंने फ़कअप ना किए होते, लेकिन बिकॉज मैंने फ़कअप किए बीच में, जंक खाया और कई बार एक्सेसिव बिंज ईटिंग भी की, इसलिए वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गई। अभी 13th वीक पे हूँ ठीक है, और आपका डिपेंडिंग अपॉन आपके इनिशियली फैट लेवल कितना था, आपको 12 की जगह 20 वीक्स लग सकते हैं, 24 वीक्स लग सकते हैं ठीक है। तो बीच में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली के इफ़ यू फेल इट यू हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक अगेन। आई एम ग्रेटफुल कि मैंने ये फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया, बिकॉज मुझे इतना कुछ सीखने को मिला इस बार करते हुए, माइंड के बारे में और हैबिट्स के बारे में अपनी ट्रैक, कि मैं स्ट्रेस में आके खाता हूँ कैसे, या मैं बिंज ईट क्यों करता हूँ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा हुआ मैंने किया। अगर मैं कंफर्टेबल रहता कि ठीक है, मैं तो फैट लॉस से पहले भी यार मेरी आर्म्स अच्छी दिख रही थी, मैं बल्की लग रहा था, तगड़ा लग रहा था, जस्ट यही होता है कि आप अपने आप को कवर कर लेते हो वेस्ट से, तो आपकी बैक पे फैट नहीं दिखता, आपकी बैली पे कुछ फैट नहीं दिखता, लेकिन आम से आप तगड़े ही दिखते हो। टिपिकल जो पहलवान होते हैं वो भी बड़े आम से तगड़े होते हैं, लेकिन बैली उनकी बहुत बाहर निकली होती है राइट। तो मुझे ऐसा था बीच बीच में फकअप मैं क्यों करता था कि यार एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम लुकिंग गुड, मुझे क्या ज़रूरत है डाइटिंग करने की, मुझे क्या ज़रूरत है डाइटिंग करने की। लेकिन जो मेरा गोल था कि मेरी फ़ोटोज़ शर्टलेस अच्छी आनी चाहिए, या मैं शर्टलेस वीडियोज़ में अच्छा दिखना मुझे पड़ेगा, इसलिए कर रहा था। नोट के ऐसे बॉडी कवर्ड है और फिर बाइसेप्स कैसे दिख रहे हैं ठीक है। तो इसके लिए आपका एक वाई होना बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में, जो भी आप कर रहे हो फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की, वाई 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 आर यू डूइंग इट, आर यू डूइंग इट टू प्रूव टू समवन एल्स, आर यू डूइंग इट फॉर योर मैरिज, आर यू डूइंग इट टू गो टू अ बीच, टू लुक गुड ऑन अ बीच, फॉर व्हाट, व्हाट इज़ योर पर्पस। इफ़ यू डोंट हैव अ पर्पस, हाई चांसेस यू विल फेल ठीक है। पर्पस होने के बाद भी लोग फेल करते हैं, अगर पर्पस है ही नहीं फिर तो आप सोच लो। और लंबी अगर डाइटिंग आप कर रहे हो तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बीच बीच में आप डाइट ब्रेक्स ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डेफिसिट पे हो, आपने 3 हफ्ते डाइटिंग की, उसके बाद आप 4-5 दिन की ब्रेक दे दो खुद को, एक नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे आ जाओ ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना मेंटल लेवल स्ट्रांग है ठीक है। इसी कंसेप्ट पे चीट मील भी काम करती हैं, चीट मील लेना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम सबको क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग दूर करने के लिए ही चीट मील होती है। कुछ लोगों को हो सकता है हफ्ता क्रेविंग ना हो, कुछ लोगों को हो सकता है 3 हफ्ते तक क्रेविंग ना हो ठीक है, उसके बाद एक चीट मील चाहिए हो। सो ये डाइट ब्रेक्स लेना, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी लंबी डाइट जाने वाली है, आप ले सकते हो 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 5 दिन का डाइट ब्रेक ले लिया नॉर्मल लेवल पे आ गए, उसके बाद दोबारा फिर हार्डकोर आपने डाइटिंग शुरू कर दी।
बात ये है कि आप जितनी हार्डकोर डाइटिंग करोगे उतना आपको टाइम कम स्पेंड करना पड़ेगा डाइटिंग फेज में। आप स्लो एंड स्टडी जाओगे वो भी ठीक है, कुछ लोग हार्डकोर अप्रोच अपनाते हैं वो भी ठीक है, मैं दोनों का मिक्स करता हूँ। कुछ दिन में बिल्कुल हार्डकोर हो जाता हूँ, कुछ दिन में मीडियम लेवल पे चलता हूँ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज के अपनी लिमिटेशंस को समझो, अपनी प्रीवियस हैबिट्स को समझो, उस पे प्रोग्रेस करो, ठीक है। इस फैट लॉस फेज के दौरान, कटिंग फेज के दौरान, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, डजंट मैटर, डाइटिंग इज़ हार्ड फॉर एवरीवन, इट्स हार्ड फॉर मी एज वेल। जस्ट बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर या मेरी फॉलोइंग है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। बिकॉज पीपल कीप आस्किंग अगेन कि हाउ यू रिमेन मोटिवेटेड, हाउ आर यू ऑलवेज मोटिवेटेड। नो, आई एम नॉट ऑलवेज मोटिवेटेड, आई फक अप माई डाइट ऑफन, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कि यू आर अलोन इन दिस एंड यू आर द ओनली वन हु फेल्स इट। मैं फेल करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे, ऐसे कि मैंने बताया कि उतने ही विल पावर से दोबारा उठता हूँ और दोबारा डाइटिंग करनी शुरू कर देता हूँ। यही आपको करना है। और दिस इज़ द लॉन्गेस्ट आई हैव एवर डाइटेड। 12 वीक्स के रिजल्ट ये रहे, आप देख सकते हो। ये और अच्छे होने थे अगर मैं और थोड़ा सा बिंज ना करता, लेकिन ठीक है। ट्राइंग टू सेट अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फिजिक। और 2021 में मैं समझता हूँ मैं बेस्ट फिजिक अपनी और लेके आऊँगा। अभी इसको मेंटेन करूँगा कुछ महीने, फिर 2021 में बेस्ट फिजिक पे चलेंगे हम। दैट्स एनफ ज्ञान टॉक। होप यू एन्जॉयड इट। लेट मी नो कि आपने अगर डाइटिंग की है, कितने हफ्तों तक मैक्सिमम की है और क्या रिजल्ट्स थे और व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट। इफ़ यू वांट टू शेयर दिस विद मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो यू कैन डू दैट। जस्ट पोस्ट अ स्टोरी एंड टैग मी ऑन इट @6pack। आई विल रीशेयर योर स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द मनसिंग साइनिंग ऑफ। बाय बाय।